जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है अगले साल 2024 में, या फिर आप किसी भी कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी को डॉक्यूमेंट्स पर जो डाउट है, बच्चे पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स हमें जो मिलते हैं जैसे TC CC माइग्रेशन, वो कैसे मिलते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अगले साल 2024 वाले, सबसे पहले बात करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पहले वाले ही चलेंगे, चाहे वो TC हो, चाहे वो CC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो। ये जो आपकी चीज़ें होती हैं ये इंप्रूवमेंट वाले बच्चों की पिछले साल की जो होते हैं वही चल जाते हैं, यानी कि आपको कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो, उसके लिए एक वीडियो पहले बताई हुई है, उसको थोड़ा दिखाना पड़ता है कॉलेज में, उसको थोड़ी दिक्कत आ जाती है माइग्रेशन को लेकर, तो उसमें क्या दिक्कत आती है उसके लिए एक वीडियो पहले से ही बनी हुई है, उसका सोल्यूशन भी उसे बताया हुआ है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा माइग्रेशन को लेकर। और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका पहले वाला ही चलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको इंप्रूवमेंट वालों को नहीं मिलता है। जो माइग्रेशन पासिंग सर्टिफिकेट है, TC है और CC है, ये सारे ही पिछले साल के चलेंगे। बात करते हैं कंपार्टमेंट की, जो उनकी कंपार्टमेंट आ गई है इस बार, या फिर जो जुलाई में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे फिर भी कंपार्टमेंट आ जाती है, अगले साल फिर से कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उनको नया मिलेगा, उनको पासिंग सर्टिफिकेट नया मिलेगा, बोर्ड के द्वारा आता है आपको, जैसे आपकी मार्कशीट आएगी उसी के साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको डिलीवर हो जाएगा आपके होम एड्रेस पर, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट। और जो TC होती है वो स्कूल से ही वाली चलेगी, CC भी, CC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC CC दोनों स्कूल वाला चलता है, और पासिंग सर्टिफिकेट आपको नया मिलेगा। माइग्रेशन भी आई थिंक पुराने वाला चल जाएगा, ठीक है, माइग्रेशन अगर नहीं चलता है तो फिर आपको नया मिल जाता है। माइग्रेशन के लिए आप बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो, उसका फॉर्म आता है वो अप्लाई करना होता है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जिनके एसेंशियल रिपीट आ गई, यानी कि जो पाँचों में एग्ज़ाम देंगे अगले साल, पूरा रिपीट आ गया है, उनको तो पासिंग सर्टिफिकेट नया मिलेगा, जाहिर सी बात है, उनका माइग्रेशन भी नया होगा, बट उनकी जो TC और CC होगा वो पुराने वाला ही होगा, यानी कि जो फेल वाली TC होती है वो चल जाती है। कई बच्चों को डाउट होता है कि हमारे TC में फेल लिखा हुआ है तो हमें क्या नई TC चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कॉलेज में जो आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे जो TC चलती है वो फेल वाली भी चलती है, यानी कि जिसके चाहे पास हो चाहे फेल हो उससे मतलब नहीं, बस स्कूल से TC होनी चाहिए कि हाँ आपने स्कूल से अपनी पढ़ाई को करा था, वहाँ से आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है TC होती है वो आपकी फेल वाली चल जाएगी। तो ये आई होप ये समझ आ गई हो आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बाकी हम आगे जो फर्दर अपडेट्स हो उस बारे में आगे बात करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लाइक करें, कोई डाउट हो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने का वो डाउन करना कॉलिंग फॉर ऐप, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ID सर्च कीजिए, vipkyoclasses@cm4 ID भी मैंशन है डिस्क्रिप्शन में, ID जैसे आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।